मेरे किसान भाइयों नमस्कार। आपको मैं सक्सेसफुल बीकीपिंग की कुछ आपको राज बताना चाहता हूँ। हमने उन चीजों को बीकीपिंग करते हुए सीखा और जिसका फायदा हमने अपने खुद के लिए उठाया है, वो कुछ राज है, वो मैं आप लोगों के बीच में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम एक सिंगल बीहाइव लगाते हैं तो उसको एक बीहाइव विद बी कॉलोनी कहते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे बीहाइव लगाते हैं तो उसको हम एक वहीं अपना एक टेंट लगा के या एक फुल टाइम एक टीम वहां रखते हैं ताकि वो अपने उन बॉक्स को बीहाइव को अच्छे से देख सके। अगर हम इसको पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो हमें अपनी एपेरी पर डेली विजिट करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि हमने अपनी मधुमक्खियों को लगाने के लिए हमें सड़क से कम 1 किलोमीटर अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि जब सड़क चलती है तो वहाँ हाईवे पे मधुमक्खी टकरा के गाड़ियों से डैमेज होने के चांस रहते हैं, नुकसान होता है, साथ में हनी के अंदर सल्फर आ जाता है जो पोल्यूशन होता है डीजल के माध्यम से। तो ऐसे में जो हमारे शहद की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो अच्छी बनी रहती है यदि हमारी कॉलोनी कम से कम सड़क से 1 किलोमीटर अंदर है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी हमारी गांव से भी थोड़ा दूरी पे हो, क्योंकि अगर वहाँ जो हम देखते हैं गांव के आस पड़ोस में जो कूड़ा वगैरह जो पड़ा रहता है, कई बार अगर कुछ नेक्टर या दूसरे फ्लावर नहीं है और मधुमक्खी को पानी की अगर जरूरत पड़ती है तो वो गांव के अंदर से पानी लेके आती है, जहां भी उसको मिलता है, हैंडपंप से या किसी नाली से या किसी चीज से, तो उसका भी हमारे हनी के अंदर में आने की संभावना रहती है। तो हमें ऐसी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारी जो भी कॉलोनी है, एपेरी है, वो सड़क से कम 1 किलोमीटर अंदर हो, गांव से कम 1 किलोमीटर दूर हो, उसके नियर बाई में कोई भी फैक्ट्री ना हो, केमिकल फैक्ट्री ना हो, गंदा नाला ना बहता हो, बल्कि वहाँ साफ सफाई हो और वहाँ एक अच्छे पानी का सोर्स हो नियर बाई, ताकि हमारा जो शुद्ध शहद है उसकी जो गुणवत्ता है वो उच्च कोटि की बनी रहे। तो हमारे जो कुछ मधुमक्खी पालक भाई भी हैं उनके लिए भी ये है, अगर हम एपेरी को अच्छे से प्लेस करेंगे तो हमारा उच्च क्वालिटी का हनी पैदा होगा, जिसको हम एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं या एक्सपोर्टर्स को भी दे सकते हैं या उसको हम खा भी सकते हैं। क्योंकि जब हमारी जहाँ एपेरी अगर कहीं किसी नाले के नज़दीक में या किसी केमिकल फैक्ट्री के पास में या कहीं गलत जगह अगर प्लेस होगी तो जो हमारा हनी है उसके अंदर केमिकल्स का या उन चीज़ों का वो हनी के अंदर आ जाती है और वो आजकल बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक टेस्टिंग है उसके अंदर वो पकड़ में आ जाता है और उससे हमारा पूरा का पूरा लोट रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें जब भी सावधानी बरतनी चाहिए, ये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें अपनी एपेरी को कहाँ लगाना है और वो सबसे ज़्यादा फ्लावर्स के नज़दीक हो। यदि हमारी मधुमक्खी फ्लावर्स के नज़दीक होगी तो उतना ही ज़्यादा वो फ्लावर्स पे आएगी जाएगी और उतना ही ज़्यादा हमारा हनी प्रोडक्शन होगा। इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं, क्योंकि मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से उतनी चीज़ें नहीं बता सकता, उसके लिए कम से कम आपको 7 दिन की एक ट्रेनिंग करनी चाहिए और एक बेसिक ट्रेनिंग है जिसके माध्यम से आप ट्रेनिंग लेके वो 7 दिन में आप एक अच्छे बीकीपर बन सकते हैं और अपनी जो किसान भाई है वो अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। साथियों, ये एक मैं बेसिक चीज बताई। दूसरी हमारी इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो मधुमक्खी पालन से खेतों की पैदावार के साथ साथ हम अपनी मधुमक्खी पालन से कैसे ज्यादा उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर भी हम आपको जानकारी लगातार देंगे। मैं अगली वीडियो में भी आपको काफी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हमें लगातार जानकारी की जरूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे से आप जुड़े रहिए और मैं लगातार आपको इसकी टेक्निक्स समझाता रहूंगा और बताता रहूंगा और इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी।